मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी विधानसभा चुनावों को लेकर आपको बता दे रणनीति बना रही हैं। आज चार्जशीट कमेटी की बैठक होगी, प्रियंका गांधी बैठक में शामिल होंगी। तो विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बना रही हैं प्रियंका गांधी। आज यूपी कांग्रेस चार्जशीट कमेटी की बैठक होनी है, प्रियंका गांधी बैठक में शामिल होंगी। मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी पूरी तरह से जुट चुकी हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और जनता को संबोधित भी किया था। उनका नारा भी था कि कल उन्होंने एक नया नारा भी दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो आपको बता दें पूरे फॉर्म में प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं और आज एक बैठक होने वाली है जिसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी। पूरे मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी जुट चुकी हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाएंगी प्रियंका गांधी, आज यूपी कांग्रेस चार्जशीट कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। तो पूरी फॉर्म में आपको बता दें प्रियंका गांधी विधानसभा के यूपी में चुनाव होने वाले हैं और वो पूरी तैयारियों में जुट चुकी हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर आज रणनीति भी बनाएंगी। कल ही उन्होंने जनता को संबोधित किया था और एक नया नारा भी दिया था। तो प्रियंका गांधी आज एक बैठक करेंगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दीपक, देखिए प्रियंका गांधी पूरी यूपी में विधानसभा चुनाव है और वो पूरी तैयारियों में जुड़ चुकी हैं। आज चार्जशीट कमेटी की बैठक है, उसमें भी शामिल होंगी। कल भी उन्होंने जनता को संबोधित किया, एक नया नारा दिया है, नारी हूं लड़ सकती हूं। तो पूरे फॉर्म में दिख रही है प्रियंका गांधी। जी आई उसी बताना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार दखल दे रही हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार चुनाव में परचम लहराने में कामयाब हो सकती है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कल ऐलान किया है कि इस बार कांग्रेस का हाथ महिलाओं के साथ, जिस तरह से 40% महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस, इससे कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति खतरे में आ सकती है। जिस तरह से प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभाल रही है और जिस तरह से आज आपको बता दें शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय पे एक बैठक की जाएगी, इस बैठक में मुख्य अध्यक्षता आचार्य प्रमोद कृष्णन की रहेगी, जिसके तहत कहा जा रहा है कि जिस तरह से सरकार के आरोपों की लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद सरकार पर लगातार हमलावर रहेंगी प्रियंका गांधी। जिस तरह से आप चाहे देखिए लखीमपुर का मामला हो या सीतापुर का, जहां भी हो लगातार प्रियंका गांधी सरकार को जवाब देते और मुंह तोड़ जवाब देती नजर आ रही है अभी तक। जी दीपक, देखिए तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए एक चुनौती होगी, खासकर भाजपा के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी पूरी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और वो महिलाओं को एक तरह से, देखिए कल उन्होंने कहा 40% सीट जो है महिलाओं को दी जाएगी, तो क्या ये चुनौती रहेगी विपक्ष के लिए? जी बिल्कुल रहेगी, और जो सत्ता पक्ष में रहता है उसके लिए तो हमेशा चुनौती एक बनी रहती है। जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार अपनी कार्यशैली को बढ़ा रही है और लगातार कांग्रेस के वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए रोज नए वादे और रोज नए इरादे से उतर रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष चुनाव में प्रदर्शन की है, कहीं ना कहीं इस वर्ष में इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही है और जिस तरह से लगातार महिलाओं के पक्ष में बोल रही है, और उन्होंने चाहे लखीमपुर का मामला हो चाहे उन्नाव का हो, लगातार उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है और जब हमारी सरकार आएगी तो इन सब चीजों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।